अब टापसी पन्नू के हाथों में लगेगी पिया के नाम की मेहंदी। अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मथायस बो से करने जा रही है शादी। तो चलिए इस कड़ी में हम आपको दोनों की खूबसूरत लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। बताया जाता है तापसी और मथायस बो की मुलाकात एक सेट पर हुई थी। दोनों तकरीबन 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसका खुलासा खुद तापसी ने एक पॉडकास्ट के दौरान किया था। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा था, जब मैंने बॉलीवुड डेब्यू किया था उसी दौरान मथायस से मेरी मुलाकात हुई थी। खबरों की माने तो उनकी पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और आज दोनों एक दूसरे पर जान निछाड़ते हैं। TV9 भारत वर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक मथायस बो डेनमार्क के रहने वाले है। बतौर बैडमिंटन खिलाड़ी वो ओलंपिक मेडलिस्ट और यूरोपियन चैंपियन है। हालांकि साल 2020 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। बहरहाल अगर बात तापसी के करियर की करे तो वो साल 2013 से बॉलीवुड में काम कर रही है। उनकी पहली हिंदी फिल्म चश्मे बद्दूर थी। वही पिछली बार वो शाहरुख खान के साथ डंकी में नजर आई है। ये फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज हुई जिसने दुनिया भर में 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। खबरों के मुताबिक तापसी की उम्र 36 है और उनके होने वाले दूल्हे राजा 43 साल के है। वेल, करीबन 10 साल तक डेट करने के बाद फाइनली दोनों शादी के बंधन में जल्द ही बन जाएंगे। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों की शादी सिर्फ परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में होगी। इस शादी में किसी भी बड़े बॉलीवुड स्टार्स की शिरकत नहीं होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी अगले महीने यानी मार्च में होगी। ये कार्यक्रम उदयपुर में होगा। कहा जा रहा है कि दोनों सिख और ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक तापसी और उनके बॉयफ्रेंड दोनों में से किसी की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। वेल, जब तक दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आ जाती इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वेल, अगर इस खबर में सच्चाई निकली तो बॉलीवुड में फिर शहनाई गूंजेंगी। आप तापसी को दुल्हन बनते देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स कर बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।